हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके लास्ट 5-10 इयर्स में हम देखेंगे तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी आए हैं। तो बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसका नेम ही बता रहा है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। मीनिंग सिंपली मैं बोलूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं जहां भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री यूज होती है तो हम उसको स्टडी करते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। मीन्स हम इस चैप्टर में इनटू एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। मीनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा इनटू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी का इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स हम इस चैप्टर में इन्हीं दोनों का कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। और ये जो दोनों कन्वर्जन होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी या इसका ऑपोजिट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सेल्स। हाँ बच्चों, सेल्स ये वही है जो हम जनरल लाइफ में डिफरेंट जगह यूज करते हैं। तो सेल्स में इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है या इसका ऑपोजिट होता है। तो इन इंटर कन्वर्जन के बेसिस पर ही हम सेल्स को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, सेकंड गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सिंपली मैं इंट्रोडक्शन ब्रीफली बोलू तो वो होता है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन इंटू केमिकल एनर्जी। मैं सिंपली मैं बोलू इसका मीनिंग है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मीन्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और केमिकल रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, मीनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो मैं सिंपली अगर इसको बोलू मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका एक सिंपल एग्जांपल जो हम आजकल जनरल लाइफ में जिसकी हमें बहुत हैबिट हो चुकी है बच्चों, तो मैं बहुतों को होगी, वो है मोबाइल बैटरी। बच्चों सबको पता है जब हम मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम उसको चार्जर के थ्रू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। मीनिंग हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उससे उसकी बैटरी की एनर्जी बढ़ती है और वो एनर्जी इंक्रीज होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। मीन्स इसका मीनिंग है कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ मोबाइल बैटरी वो बिहेव करती है एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये तो हमने बोला सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं। बट सेकंड इसका ऑपोजिट विच इज गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। और किसी गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ऑपोजिट होता है और वो होता है केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन सिंपली बोले तो ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। मीनिंग ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका मैं सिंपली एग्जांपल बोलूं तो बच्चों, जो हम नॉर्मल पेंसिल सेल जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, जो टीवी रिमोट में हम मोस्टली यूज करते हैं, वो सब है गैल्वेनिक सेल। बिकॉज वहां हम उसको टीवी रिमोट में जब सेल यूज करते हैं तो हम उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं रखते, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सेल, जिससे कि टीवी रिमोट या टॉर्च जहां भी हम सेल को यूज करते हैं वो वर्क करता है। तो उस टाइम पर वो बिहेव करता है एज गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल्स।
तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मेनली डिटेल में इन्हीं दोनों सेल्स को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल्स, और ये कन्वर्जन्स हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे चैप्टर में वन बाय वन। बट इतना हमने जो इंट्रोडक्शन बोला इसके अकॉर्डिंग हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों तुम्हें सबको पता है कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, बट जिनके थ्रू करंट पास हो सकती है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, मीनिंग कंडक्टर्स विच कैन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो हमने पढ़ा अभी कंडक्टर्स, अब कंडक्टर्स जो हम पढ़ेंगे या जो हम यूज करते हैं वो हम पढ़ते हैं टू टाइप्स के, वो है मेटेलिक कंडक्टर्स एंड सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स, मीन्स इनमें कौन से पार्टिकल्स करंट कैरी करते हैं उनके बेसिस पर हम कंडक्टर्स को अगेन टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब सबसे पहले इनके एग्जाम्पल्स, तो मेटेलिक कंडक्टर्स का नेम ही प्रिडिक्ट कर रहा है हमें कि इनके एग्जाम्पल्स होंगी ऑल मेटल्स, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का भी नेम बता रहा है कि इसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों सबको पता है इलेक्ट्रोलाइट कंबाइंड टर्म होती है फॉर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, या दूसरा एग्जाम्पल मॉल्टन और फ्यूज्ड स्टेट ऑफ सॉल्ट, तो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एंड मेटल्स आर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। अब सबने पढ़ा है बच्चों, सबको पता है कि जो मेटल्स होती हैं उनमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं वो करंट कैरी करते हैं, मीन्स इन मेटेलिक कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो होती है इन मेटेलिक कंडक्टर्स, जबकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सबको पता है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के सॉल्यूशन में फ्री आयन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो सबको पता ही है NaCl के सॉल्यूशन में सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स होंगे, मीन्स इनमें चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयन्स। तो इनमें मेजर डिफरेंस, पहला डिफरेंस है बच्चों मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयन्स। सेकेंड डिफरेंस, ये सबको पता है, ये ऑब्जर्व भी करते हैं फिजिक्स में भी करते हो, कि जब हम किसी मेटेलिक वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती है, मीनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज, जबकि अगर मैं NaCl सॉल्यूशन में करंट पास करूं तो ये सबको पता है करंट पास करने के लिए हम इसमें टू इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे और टू इलेक्ट्रोड्स को हम एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें वन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड अदर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, और जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो ये सबको पता है कि जो आयन्स होते हैं सॉल्यूशन में वो अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, सो क्लोराइड आयन्स विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सोडियम आयन्स विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्लोराइड आयन मूव करेंगे तो ये सबको पता है क्लोराइड आयन्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और ये सबको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मीन्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, जबकि इसका ऑपोजिट सोडियम आयन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है वो ये सोडियम आयन्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, मीन्स रिडक्शन टेक्स प्लेस एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मीनिंग यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मीनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट इलेक्ट्रोड। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मेटेलिक में और इलेक्ट्रोलाइटिक में डिफरेंस है कि मेटेलिक में ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स. थर्ड मेजर डिफरेंस, बच्चों इसका ध्यान रखिएगा, मेजर डिफरेंस थर्ड दैट इज कि जब हम किसी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. और इसका रीजन है कि जब हम किसी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके कर्नल्स मीन्स इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं, और वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं तो वो करंट फ्लो को ज्यादा अपोज करने लग जाते हैं. और ये बच्चों सबको पता है जितना ज्यादा करंट फ्लो को अपोज करेगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. मीनिंग इन मेटेलिक कंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज. रीजन इसका है ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल्स. जबकि इसका ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में. वहां देखिए बच्चों ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज. अब क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां पर फ्री आयंस करंट कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनका आपस में अट्रैक्शन कम होता है, मीन्स डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, और वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं. और बता इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मीन्स उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगी. और ये सबको पता है जितना मोबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा होगा उतना ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन ज्यादा होगा, तो वो बहुत इजीली करंट कैरी करेंगे, मीनिंग वो करंट को अपोज कम करने लग जाएंगे. तो यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज. और इसका रीजन है बच्चों ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन एंड इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस. तो यहां ये ध्यान रखिएगा बच्चों इस थर्ड पॉइंट का ध्यान रखना है हमने मेनली कि मेटालिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. अब मेटेलिक कंडक्टर्स हम इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, ये मेनली आप स्टडी करते हैं इन फिजिक्स. हम केमिस्ट्री में मेनली स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स मीनिंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सॉल्यूशन एक्वस या मॉल्टन स्टेट ऑफ सॉल्ट्स के लिए हमने मेनली इस चैप्टर में स्टडी करना है. तो ये ध्यान रखिएगा हम केमिस्ट्री में मेनली स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो कि फिजिक्स से अलग है. तो बच्चों हमने अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, मीन्स हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो हमने ब्रीफली बोला. अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. तो पढ़ने के पहले हमें ये पता हो बच्चों हम इस चैप्टर को थ्री पार्ट्स में स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मीन्स जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कंडक्टेंस टर्म्स कौन कौन सी हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे. सेकंड गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल्स. थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रोलाइट्स मीनिंग एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के लिए हम जो कंडक्टेंस यूज करते हैं या डिफाइन करते हैं वो टर्म्स हम इसमें पहले पढ़ेंगे. अब हम कौन कौन सी टर्म्स को डिफाइन करते हैं या कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टेंस में यूज करेंगे, तो उनमें से फर्स्ट टर्म है दैट इज रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस बच्चों सबको पता है रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है. सिंपली सबको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो को अपोज करती है, मीनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच अपोजेस द करंट फ्लो.
मीन्स जो करंट फ्लो को अपोज करती है, मीनिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना करंट इजीली फ्लो नहीं होगी। तो बच्चों, वो तुमसे इसी से एक छोटा सा बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल या क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, हमें फोर सॉल्यूशंस के रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा और हमसे पूछेगा इनमें से किसका रेजिस्ट, कौन इजीली करंट फ्लो नहीं करेगा या कौन इजीली करंट फ्लो करेगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उतना डिफिकल्टी से करंट फ्लो करेगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो सबने पढ़ा है बच्चों ओम्स लॉ, जो होता है V इक्वल्स टू आई आर। यहां V रिप्रेजेंट करता है, सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, I करंट, R रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस हम इन वोल्ट यूज करते हैं, करंट इन एम्पियर यूज करते हैं, तो इसी से इसकी यूनिट आती है ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो हम यूज करते हैं वो है ओम। अब ये तो हमने बोला थियोरेटिकली हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, और इसी की कैलकुलेशन फिजिक्स में आपने पढ़ा बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज, तो उसकी हेल्प से भी हम व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने बोला रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी करंट फ्लो को अपोज करती है। अब सेकेंड टर्म जो हम यहां यूज करेंगे दैट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होती है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो कंडक्टेंस होती है वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो को सपोर्ट करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच सपोर्ट्स द करंट फ्लो, मीनिंग कंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना इजीली सॉल्यूशन में से करंट फ्लो होगी। या मैं इसकी कैलकुलेशन की बात करूं अगर बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मीनिंग कंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना करंट इजिली फ्लो होगी, इसलिए जी इक्वल्स टू 1/R। अब बच्चों इस जी इक्वल्स टू 1/R का बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज हमें आगे न्यूमेरिकल्स में कंडक्टेंस कई न्यूमेरिकल्स में यूज करनी होगी, बट मोस्टली इन द न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस की वैल्यू ही देता है इन प्लेस ऑफ कंडक्टेंस। तो G इक्वल्स टू 1/R से कंडक्टेंस हमने फाइंड करनी है, और इसी की हेल्प से हम देन इसकी यूनिट भी ला सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की हमें पता है ओम, तो यूनिट ऑफ G विल बी ओम इनवर्स, या इसी को हम ओम इनवर्स का इनवर्स बोले तो मो बोल सकते हैं, या साइमंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S। तो ये ध्यान रखिएगा कंडक्टेंस G की 3 यूनिट्स होती है, ओम इनवर्स और मो और साइमंस, तो इन तीनों में से कोई भी लिखा तो हमें पता है कि वो कंडक्टेंस G को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बच्चों 2 टर्म्स हमने बोली जो एक दूसरे का ऑपोजिट होती है। यहां तक क्लियर है सबको बच्चों? तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी थर्ड कंडक्टेंस टर्म, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी का दूसरा नेम होता है रेजिस्टिविटी। ओल्ड IUPAC नेम इसका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट आजकल हम इसका न्यू IUPAC नेम यूज करते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर रो से। अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, क्या इसका मीनिंग है, उसको पढ़ने के पहले हमें ये पता हो कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम फाइंड कैसे करते हैं। तो बच्चों ये ध्यान से सुनिएगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। और कंडक्टिविटी सेल जो है वो बहुत सिंपल सा होता है, इसमें हम लेते हैं एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, और उस सिलेंड्रिकल ट्यूब में 2 प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। अब यहां पर प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स ही हम क्यों लेते हैं, उसका रीजन है बिकॉज ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये इनर्ट होते हैं, ये खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेने का रीजन क्लियर है सबको बच्चों?
बिकॉज ये इनर्ट होते हैं और इनके बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल करते हैं, मीनिंग जिस भी एसिड बेस या सॉल्ट के सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो हम इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिल करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और L इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल A। तो कैपिटल A रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और इनको हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बैटरी से कनेक्ट करके इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मीनिंग मैं बोलूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, मीनिंग जब हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो सबको पता है बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यूज करना होता है उसकी जगह, तो वो होता है यहां प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट रो, मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया जो हम कंडक्टिविटी सेल की हेल्प से मेजर करते हैं। तो रो की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं रेजिस्टेंस अपॉन एल अपॉन ए, और इसी रो इक्वल्स टू आर अपॉन एल अपॉन ए से हम रो की वैल्यू की यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता है बच्चों सबको वो होती है ओम। डिस्टेंस अगर हम इन सीजीएस में सेंटीमीटर में ले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड सेंटीमीटर स्क्वायर में ले, तो यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। बट अब यहां एक ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन न्यूमेरिकल की एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी न्यूमेरिकल्स हो तो हमने यूनिट का बहुत ध्यान रखना है जो भी डाटा गिवन हो उनके, बिकॉज वो हमें मोस्टली क्वेश्चंस इन सीजीएस देगा डाटा की यूनिट, बट समटाइम्स वो हमें एमकेएस में भी देता है। तो फिर अगर हमने डिस्टेंस को मीटर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स को मीटर स्क्वायर लिया, तो इसकी यूनिट हो जाएगी रो की ओम मीटर, मीन्स रेजिस्टिविटी की यूनिट कैन बी ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब ये जो रेजिस्टिविटी है इसका थियोरिटिकली मीनिंग होता क्या है, तो अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स को अगर हम 1 सेंटीमीटर ले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले, तो इनका जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हो जाएगा A into L means 1 cm³ solution. तो L and A की value 1 cm and 1 cm² respectively हो तो rho equals to R आ जाएगा. Meaning जो resistivity होती है वो भी resistance को ही represent करती है. But बच्चों मुझे एक चीज बताएं कि rho जो है ये always equal to resistance होता है क्या? तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑलवेज नहीं होता है, ये होता है रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ओनली व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज 1 cm² और वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज 1 cm³ सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है जो हमने यूज करनी है आगे बहुत, वो है रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को, बट ऑफ 1 cm³ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मीन्स पर 1 cm³ सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है
उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और ये डेफिनेशन बच्चों हमने ध्यान रखनी है, ये आगे टर्म्स में हमको यूज भी करनी है। तो फोर्थ कंडक्टेंस टर्म अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसी का न्यू IUPAC नेम दैट इज कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर कापा से। तो कंडक्टिविटी जो है, पढ़ने के पहले हमें ये बच्चों बताओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज हम इसके आगे टू कंडक्टेंस टर्म और पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड सेकंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और वो दोनों बेस्ड है ऑन द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी होती क्या है, तो जैसे हमने पढ़ा पहले, कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, उसी तरह से कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मीनिंग कापा इक्वल्स टू 1/ρ हम यूज कर सकते हैं। मीनिंग रो की वैल्यू अगर हमें न्यूमेरिकल में गिवन हो तो हम कापा की वैल्यू डायरेक्टली इसी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कापा इक्वल्स टू 1/ρ, अगर न्यूमेरिकल में रो की वैल्यू डायरेक्टली गिवन हो तो हम इससे इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसी से हम कापा की यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने पढ़ा है रो की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, तो यूनिट ऑफ कापा विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को ही हम साइमंस भी लिख सकते हैं, तो साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमंस को ही मोह भी लिख सकते हैं, तो मोह सेंटीमीटर इनवर्स भी हम कापा की यूनिट बोल सकते हैं। तो कापा की यूनिट कैन बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स और मोह सेंटीमीटर इनवर्स। बट ये ध्यान रखिएगा बच्चों, फिर से यहां पर न्यूमेरिकल डाटा में यूनिट का, कि उसने हमें CGS में मीन सेंटीमीटर में डाटा गिवन है या MKS मीनिंग मीटर में गिवन है, बिकॉज अगर मीटर में हुई तो इसी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमंस मीटर इनवर्स, या मो मीटर इनवर्स। तो कापा का की यूनिट जो है वो हमने यहां पर डिफाइन की। अब इसी की वैल्यू को दूसरी तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं, जब न्यूमेरिकल में हमें रो की वैल्यू डायरेक्टली गिवन ना हो तो हम इसको फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ R इक्वल्स टू रो इनटू L बाय A से। कैसे करेंगे, तो रेजिस्टेंस की जगह 1/कंडक्टेंस, रो की जगह 1/कापा, L अपॉन A हम लिख सकते हैं। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कापा इक्वल्स टू G इनटू L बाय A, या G की वैल्यू डायरेक्टली गिवन ना हो तो रेजिस्टेंस गिवन होगा, तो 1/R इनटू L बाय A। और ये जो L बाई ए है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो L बाई ए है इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब इसको सेल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज फॉर अ सेल, सेल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब इसका मीनिंग क्या है चेंज ना होने का, मीनिंग द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल्ड इन सेल, मींस इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया उसको अगर हम चेंज कर दे तो भी L अपॉन A की वैल्यू चेंज नहीं होती है। बिकॉज आप खुद ही सोचिए बच्चों, अगर मैं इसमें NaCl सॉल्यूशन लू, दूसरी बार उसके लिए सेपरेटली KCl सॉल्यूशन ले लू, या थर्ड टाइम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लू, तो बच्चों क्या L और A की वैल्यू चेंज होगी, तो नहीं होगी, बिकॉज L अपॉन A की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से चेंज नहीं हो सकती। इसलिए हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ सेल कॉन्स्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब इस कंडक्टिविटी की डेफिनेशन थ्योरेटिकली होती क्या है, तो कंडक्टिविटी को थ्योरेटिकली डिफाइन हम करते हैं इन द सेम वे एज रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की हेल्प से कैसे करते हैं, उसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो रेजिस्टिविटी को हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, या यहां पर भी सेम वैसे ही हम डिफाइन करेंगे। इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1 cm
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज 1 cm² और वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फिल्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1 cm³ सोल्यूशन देन कापा विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस मीनिंग कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मीनिंग कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस के इक्वल होती है बट होती है ओनली फॉर 1 cm³ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन तो बच्चों ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमने ध्यान रखनी है ये आगे हमारे काम आएगी इसको बहुत ध्यान से देखिएगा वापस से मैं बोल रहा हूं याद रखना है इसको हमको कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है 1 cm³ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की कंडक्टेंस को और ये जो डेफिनेशन है इन्हीं को हम आगे टर्म्स में भी यूज करेंगे